हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल आई एम योर मेंटर एंड टुडे आई एम हियर विद अ बिग अनाउंसमेंट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अनाउंसमेंट तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर किस बारे में अनाउंसमेंट तो देखिए आपने शायद थंबनेल इस वीडियो का चेक कर ही लिया होगा कि देखिए देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एन पी एस ग्रेड बी एंड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन इस वीक आ सकता है देखिए हमने अपनी सोर्सेज से बात की है तो दे आर सेइंग सर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बट वी कैन नॉट एश्योर कि क्या इसी वीक में ही आएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ बहुत जल्दी आएगा देखिए जब हम अपनी सोर्सेज से बात करते हैं तो देखिए कुछ रिलायबल होते हैं कुछ नहीं भी होते तो वी कैन नॉट गारंटी यू बट हा वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक के एंड तक आ सकता है या फिर इस मंथ या फिर अर्ली नेक्स्ट मंथ तो अगर आप अगर आप सेबी ग्रेड के रह चुके हैं और अगर आप आर बी आई ग्रेड बी के इक्विवेलेंट कोई जॉब चाहते हैं तो गाइज हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इज वेटिंग फॉर यू कॉज ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये एनपीएस ग्रेड बी का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सर क्या है ये व्हाट इज दिस क्या इसके हमारी इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है क्या इस एग्जाम में पैटर्न है क्या सिलेबस है एंड लास्ट सर क्या सैलरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज

हाई पेइंग जॉब में आता है इंडिया के एनपीएस ट्रस्ट के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते बिकॉज ये रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस साइकिल में नहीं होता लास्ट रिक्रूटमेंट जो इस एग्जाम का हुआ था आई थिंक नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आया, आया था तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये दो लेवल पे किया जाता है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ग्रेड बी के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं आप चेकआउट कर सकते हैं यूनिट टू चेकआउट दीडियो सेक्शन वहां आपको ग्रेड ए की पूरी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगी सेम लाइंस पे वीडियो है आप चेक कर सकते हैं तो जो एस बी या आई बी या अदर बैंक्स को टारगेट कर रहे हैं वो आई ग्रेड ए को टारगेट कर सकते हैं एंड जो आर एंड सेबी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये एक अल्टरनेट के तौर पर एग्जाम हो सकता है बट गाइज यहां पे मैं ये पहले से ही आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहां पे जनरली बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं एंड इस साल भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हाई होता है बट कॉम्पिटिशन से पहले हमें अपने एनिमी को जानने की जरूरत है तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम द एलिजिबिलिटी द पैटर्न ठीक है तो एग्जाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ये एग्जाम कंडक्ट कराता है दो लेवल पे ए और बी नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी तो guys, अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी है उसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन मास्टर डिग्री मीन एमएससी एम टेक एम बी एम कॉम जो भी आपके पास मास्टर है अगर आप है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन बैचलर डिग्री में यहाँ पे कैच है एलिजिबिलिटी है, है या फिर आप इंजीनियरिंग में बैचलर हैं बी और बी टेक तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है रेस्ट ऑफ द डिग्रीज आर नॉट सपोज आप बी कॉम है या बी एस सी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक

तो इफ यू हैव एनी एक्सपर्टाइज इन फिनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट सो ये डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस यहां पे शेयर किए गए हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो लास्ट नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या सर ये एक्सपीरियंस होना मस्ट है तो देखिए ये एक्सपीरियंस होना मस्ट तो नहीं है तो नहीं है बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन में वो कैसे वो मैं जब आप वीडियो में प्रोसीड करेंगे तो आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तों आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन आस्पेक्ट तो क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए बीई बी टेक एमएससी एम कॉम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है इन टर्म्स ऑफ एज तो गाइस लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था हमारा नवंबर 2020 में तो उन्होंने जो डेडलाइन रखी थी 30 एज की वो रखी थी 30th नवंबर 2020 तो अगर इस मंथ नोटिफिकेशन आता है तो आई थिंक आई होप अगर इसी नोटिफिकेशन को हम बेस रखें तो हमारी डेडलाइन होगी 30th और सॉरी 31st अगस्त 2022 तो अगर उस डेट पे आप 30 के अंडर हैं तो आप एलिजिबल हैं अगर आप वो क्रॉस कर गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है दैट मीन अपर एज लिमिट इज 30. और अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर नोटिफिकेशन इस मंथ आता है तो बेस्ड अगे थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू होगी उसके बेसिस पे आप चेक भी कर सकते हैं तो एलिजिबिलिटी का आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो नाउ विल टॉक अबाउट द पैटर्न तो देखिए जैसे सेबी का एग्जाम होता है आरबीआई का एग्जाम होता है ये एग्जाम भी तीन फेजेस में डिवाइडेड है फेज वन फेज टू एंड इंटरव्यू हमारे ग्रेड ए में भी तीन फेज थी बट वहां है बट यहां पे क्या है फेज वन एंड फेज टू आर सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम्स ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है तो जो सेबी ग्रेड ए के एस्पिरेंट है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 परसेंट सिलेबस

वो एग्जाम होगा जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं अभी हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे बट आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फेज वन इज जस्ट एन नॉट क्वालिफाइंग बट मोर ऑफ ए एलिमिनेशन स्टेज यहां से आप एलिमिनेट जो टॉप रैंकर्स होंगे वो फेज टू में अपियर होंगे ठीक है जो फेज टू में अपियर होंगे वहां आपका जो फाइनल मेरिट होगा गाइज वो मैं बता देता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे बोला था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन योर फाइनल सिलेक्शन तो फाइनल सिलेक्शन कैसे बनेगा फाइनल सिलेक्शन बनेगा बेस्ड ऑन योर फेज टू मार्क्स प्लस द डिजायरेबल

तो पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया फेज वन इज एलिमिनेशन यहां पे आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं फेज टू के लिए जो फेज टू में सेलेक्ट होते हैं उनके फेज टू के मार्क्स उनका डिजायरेबल एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यू में जो उनको फेज थ्री में जो उनको मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बनती है तो वेटेज में एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं कितनी होगी तो फेज टू के सेवेंटी परसेंट टेन परसेंट इज फॉर योर डिजायरेबल एक्सपीरियंस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था एंड ट्वेंटी परसेंट इज फॉर इंटरव्यू तो अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सीधे सीधे दस परसेंट मार्क्स आप हो देंगे तो देखिए अगर आप डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो ठीक है बट देखो कितने कैंडिडेट के पास होता है कितनों के पास होता था तो यहां अपना आप चाहे तो स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हैं तो है। उन्होंने किया ही एग्जाम क्वालिफाई उनके पास कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी नहीं था बट स्टिल हैव क्वालिफाइड बट बिकॉज उनका ये जो सेबी की प्रिपरेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने यहां पे बहुत अच्छा

कंसिडर uh, कर सकते हैं उसी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नॉर्मल नॉर्मल uh, तो नहीं जो थोड़ा सा मीडियम टू एडवांस लेवल पे यहां पे होते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली आप फेज प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम का ठीक है अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आप काफी इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं द कैच इज इन द फेज टू फेज टू के लिए यू विल रिक्वायर सम एडिशनल नॉलेज तो चलिए उसको देखते हैं फेज टू का आई होप आपको समझ में आया हो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दो सौ मार्क्स का होता है विल बी द टोटल टाइम इन यू नीड टू अटेम्प्ट ठीक है वो आप देख सकते हैं एक बार प्रायर नोटिफिकेशन अगर आपको डिटेल में फेज वन का पैटर्न चेक करना है बट अगर आप किसी भी नॉर्मल पीओ के लिए तैयार कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं कैच इज इन फेज टू तो यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखिए फेज टू में क्या है देयर इज वन पेपर ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड वन पेपर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मींस अगर आप जर्नलिस्ट स्ट्रीम के हैं तो वहां पे देर आर डिफाइंड सब्जेक्ट्स जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा एंड अगर आप किसी और स्ट्रीम लाइक लास्ट ईयर उन्होंने आई का रिक्रूटमेंट भी निकाला था तो अगर आप आई के लिए कर रहे हैं तो आपको पेपर टू जो होगा वो आपका आई का होगा ठीक है एंड फेज टू भी आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर है एक्सेप्ट योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश

ठीक है बाकी अगर आपका स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन के ठीक है बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है दैट इज फॉर द जर्नलिस्ट स्ट्रीम बाकी में कितनी वैकेंसीज आती हैं वी विल डिस्कस इट आफ्टर द नोटिफिकेशन ठीक है तो ये पैटर्न है अगेन जो पेपर ये वाला होता है हमारा जर्नलिस्ट स्ट्रीम का जो पेपर टू है वो फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं टू मार्क्स का ईच विद वन फोर्थ निगेटिव मार्किंग ठीक है एंड

50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स तो ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 6 टू 7 क्वेश्चन हर सेक्शन से होते हैं बीट फाइनेंस बीट मैनेजमेंट कॉस्टिंग हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे वेटेज चलता है वो वेरिएशन आ सकता है तो so फिक्स मत समझिए कि हर सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है सो दिस इज योर स्कोरिंग पार्ट यहां पे आपको स्कोर करना मस्ट हो जाता है बिकॉज अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो देखो कहीं तो एडिशनली परफॉर्म करना पड़ेगा तो अगर आप से के एक्सपीरियंट हैं तो आपका चेहरा खिल गया होगा कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है बस पेंशन सेक्टर कर लेता हूं तो ठीक है गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो पैटर्न एलिजिबिलिटी सिलेबस कंप्लीटली आपको देखिए अगर हम इसका इंडिविजुअल व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेबस तो हम वहां पे डिटेल सिलेबस देखना चाहेंगे बट अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो देर यू रिक्वायर अ सेपरेट सेशन और उसको हम लेके भी आएंगे तो उसके लिए यू कैन कमेंट कि सर हर सब्जेक्ट का जो हमने यहां पे डिस्कस किया कि कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए आप हमारे साथ यू कैन रिक्वेस्ट इट एंड रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है इन द कमिंग पीरियड वी विल कम अप विद वीडियोज ऑन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड द स्ट्रेटेजी दैट यू कैन फॉलो तो लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट जाता है सबके मन में होगा कि यार सर सैलरी कितना है देखो जब मैं बोला था कि देखिए जो आर ग्रेड बी मैनेजर्स बनना चाहते हैं उनके लिए दिस कुड बी ए नेक्स्ट अल्टरनेटिव तो सैलरी भी वहां पे मैच होना चाहिए तो अगर आप इसकी सैलरी चेकआउट करना चाहें तो सैलरी इज क्वाइट हाई फॉर ग्रेड बी मैनेजर्स एनपीएस का जो सीटीसी होता है दैट इज अराउंड ट्वेंटी वन लैख पर एनम ठीक है ऑलमोस्ट पे बैंड मैचेस विद थोड़ा अलाउंसेस इधर उधर होते हैं बट जो आपकी सैलरी है बिकॉज इट इज अगेन अ ग्रेड बी लेवल जॉब तो ऑलमोस्ट आपके एंड से मैच रहेंगे सैलरी भी ऑलमोस्ट वही होगी थोड़ा देखिए ऊपर नीचे चलता है वो ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर पॉलिसीज पे डिपेंड करता है ठीक है बट अगेन अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही अच्छी जॉब हाई पेइंग जॉब हाई रेपुटेशनल जॉब तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हैं बट अगेन कॉम्पिटिशन बी वेरी हाई सो देखिए से डरता कौन है डरने की जरूरत ही नहीं है ठीक है? So, इसके डिटेल रिलेटेड टू कंटेंट स्ट्रेटेजी ऑल यू नीड टू डू इज रिक्वेस्ट द टाइप ऑफ वीडियो दैट यू वॉन्ट तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हूं आज की वीडियो में सो so, फ्रॉम माई साइड गाइड बट एक लास्ट थिंग इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के बारे के को लेकर सीरियस है एंड उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वे आर हेयर टू हेल्प यू आप अगर आरबीआई के प्रिपेशन करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर आरबीआई फाउंडेशन कोर्स हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इट इज स्टिल रनिंग इन ए वेरी स्मूथ मैनर एंड काफी स्टूडेंट वहां पे बहुत अच्छे सेटिसफाइड है यू कैन गेट द फीडबैक अगर आप किसी और बैंक के लिए किसी और रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयार करना चाहते हैं लाइक नाबार्ड का भी हमारा कोर्स चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है मेरिट सेक्शन कोर्स भी है देन देर आर डिफरेंट कोर्सेज लाइक अभी हमारा एक मॉक डिस्कशन बैच भी चल रहा है अगर आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं बट मेरा यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन ये रहता है कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज को टोटेलिटी में प्रिपेयर करें तो बेहतर है एंड उसी के लिए एक बहुत बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हमारे पास है दैट इज बैंकिंग महापैक प्लस ये प्लस का याद रखिए क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं बैंकिंग महापैक प्लस आपके रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ आपके अदर बैंक्स की तैयारी भी कराता है एट ए वेरी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव एज एज ए ए वेरी सॉल्यूशन तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आप कोई भी ई e बुक या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं बट उसके लिए सर का कोड चेंज हो जाता है उसके लिए यू नीड टू यूज द कोड वाई फाइव एट वन एस फॉर ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज ठीक है तो अगर आप बैंकिंग महापैक लेना चाहते हैं तो उसकी एक्चुअल प्राइस कभी भी पे मत करना प्राइस है थर्टी थाउजेंड बट ये कोड लगाएंगे अगर आप वाई फाइव एट वन तो प्राइस विल फॉल एंड फॉल बाय सेवेंटी सेवन परसेंट तो ये आपका कॉस्ट बैठेगी सेवन थाउजेंड ठीक है तो सेव योर मनी यूज द अपॉर्चुनिटी वाइजली। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक दीजिए एंड डू मेक कमेंट्स आई एम यंटरवीर नाउ साइनिंग ऑफ